हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में न रहे हों, लेकिन पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को लेकर कई आकलन हो रहे हैं, लेकिन एक नजर उन सीटों पर भी डालना जरूरी है जहां बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 मुस्लिमों को टिकट दिया था। ऊनहाना से बीजेपी ने मोहम्मद इजाज खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से मोहम्मद इलियास को टिकट दिया था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 85,300 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को केवल 5,072 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रहीश खान भी पीछे रहे। रहीश खान को 53,000 वोट मिले, जो ऊनहाना सीट पर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस ने ये सीट 31,916 वोटों से जीती। फिरोजपुर झिरका सीट भी काफी चर्चा में थी। इस सीट पर कांग्रेस ने मामन खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने नसीम अहमद को टिकट दिया था। इस सीट पर मामन खान को 1,30,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को केवल 32,000 वोट ही मिले हैं। यानी इस सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। 98,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने ये सीट जीती। ये राज्य की सबसे बड़ी जीत है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। मंगलवार को आए नतीजों में 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 37 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD को महज 3 सीटें ही मिली हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।